मैनपुरी में भारत बंद का असर, आधे से ज्यादा मार्केट बंद। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, डीएम और एसपी ने संभाला मोर्चा। बाजार बंद कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। डीएम एसपी ने मार्केट खोलने को दुकानदारों को समझाया। मुख्य बाजार में डीएम एसपी भारी पुलिस बल के साथ ले रहे जायजा। देखिए शौर्य न्यूज इंडिया की यह रिपोर्ट। कि जितना भी ट्रैफिक चल रहा है या आम दिनों से भी ज्यादा ही आज व्यापार है, क्योंकि हम लोगों की तरफ से एक मैसेज गया था कि सुरक्षा के लिए कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। हर जगह हमने फोर्स एहतियातन तौर से लगा दिया है, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। सभी दुकानदार बंधुओं से हमारी और डीएम साहब की बात हो गई है और ये भी संदेश सख्त रूप से दे दिया गया है पुलिस को भी और अन्य सभी को भी। यदि किसी की मर्जी के खिलाफ कोई हल्का सा भी कहने का प्रयास करता है तो उस पर सख्त से सख्त या 7CLA की धारा भी लगाई जाएगी और उसको जेल भी भेजा जाएगा, उसमें कोई समझौता नहीं। बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर कोई जबरन बाजार खुले हुए या यातायात आप देख सकते हैं सब कुछ सामान्य चल रहा है, ऐसा कोई ऐसी कुछ चर्चाएं मिल रही थी कि सपा के लोग कुछ सड़कों पर निकले हुए दुकानें जबरन बंद करा रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर जबरन किसी ने कार्रवाई की तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। कठोर कार्रवाई बिल्कुल समझा दिया गया हिंदी। बिल्कुल हमारे साथ एसपी न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।